जी प्यारे भाई जी, चेक करो, ये मैंने लाइन लगाई है ऊपर वाली मेन लाइन, यानी कपड़ा जब ये कटिंग के बगैर था, अब ये फीता रख रख के ये 1/4 इंच बैक कम है इस तरफ से, ठीक है, और तकरीबन 1.5 इंच से सूत्र कम जो है ना वो इस तरफ से है, ठीक है, 1.5 इंच से सूत्र कम, ये देख रहे हैं आप, और इस जगह से बैक मेरी 1 इंच ऊपर है, ठीक है, डाउन मैंने किया है इसका, ये चेक कर लें, ये 1.25 इंच डाउन है, ठीक है, और ये फ्रंट की छांटी जो है ये 5 सूत्र की है, और यहाँ से जो मेरा है ये मेरा फ्रंट था बंदे का अपना 15 इंच, तो ये 16 इंच में मैंने कटिंग किया है, शेप दे के इसको मिला दिया है, ठीक है भाई जन, आगे समझ, यहाँ से देख लें 1/4 इंच हाले के हिसाब से आपने लगाना है, इसका 15 इंच है अपना गला है, तो 2.5 इंच से सूत्र कम है इधर, और ये 2.75 पे डाउन किया है इसका, ठीक है, इस पर बैन लगेगा, बाकी ये तकरीबन 1/4 इंच का कट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब तीरे की तरतीब देख लें फीते के हिसाब से, ये 5 इंच का चौड़ा होता है मेरा आमतौर पे लगाता हूँ मैं, ये 5 इंच, ठीक है, और ये मैंने किया था 2.5 से सूत्र कम, तो ये मैंने 1/4 इंच बढ़ा के कटिंग किया है, ये तकरीबन 3/4 पे कट किया है, 3/4 पे, ठीक है, 3/4 पे कट किया है, वो देखिए ज़रा, ये आपको मैं ज़रा मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ, ताकि ये यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे अपने दोस्त मास्टर, ये देखिए ये है 2.5 से सूत्र कम, ठीक है, 2.5 से सूत्र कम, तो इधर ये मैं आया 1/3 15 इंच के बैन के लिए, ठीक है, और ये 1/3 की टीक पीछे बच गई है, 1.25 मैंने डीप दी है, और इधर से चेक करें, सिंगल कर लेते हैं, ये देखें ये 3.5 आ रहा है इस तरफ से, ठीक है, 2 सूत्र मैंने नीचे से शेप दिया है, और 2.25 इंच मैंने डाउन किया है, सॉरी 1/4 इंच डाउन किया है, और 2 सूत्र की नीचे से मैंने शेप दी है, और इसको मैंने ये बाहर निकाला है जो है ना, तकरीबन ये चेक करें आप, ये तकरीबन 2.5 सूत्र मेरा, तकरीबन 3 सूत्र, ये 2.5 सूत्र बाहर निकला हुआ है, 3 सूत्र भी तकरीबन आप कह सकते हैं, लेकिन ये 2.5 है, ठीक है, अब इसकी पड़ताल चेक करें, पड़ताल हम करते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये पूरी वीडियो है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, याद आ जाए इंच का चढ़ा दें कि जितना हम सिलाई मार्जिन रखते हैं वो रखें, 3 सूत्र रखते हैं 3 रखें, रख के ये चेक करें ज़रा, ये जी चेक करें, बिल्कुल बराबर आ गया इसके, ठीक है, और ये है, और ये हम बताते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है, वो सीधा ही आ रहा है, ठीक है, तो ये देखें इधर से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, हल्का सा फ़र्क है 1 सूत्र का, तो जब ये लगेगा ठीक हो जाएगा, ये सारी इसकी तरतीब है, ये बिल्कुल बैलेंस कटिंग है, ठीक है, ऐसे ये सूट पे कमीज़ ये कॉलर हो या आपकी बैन वाली सूट हो, आपका कॉलर बड़े आराम से बैठ जाएगा, और बैन भी आपका बड़ा अच्छा बैठेगा, ठीक है भाई जान, कोई और बात कोई हो पूछने वाली तो वीडियो में ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें चेक करें, ठीक हो गया, ये जो लाइन है ये वो मैंने बताया ना 3.5 सूत्र बढ़ा के रखा हुआ, 3 सूत्र तकरीबन, ये वो वाली लाइन है, और मेरी कटिंग की लाइन ये देखिए ये बिल्कुल आपस में मैच हो रही है, ठीक है, ये कटिंग आप इस तरह सेट करें ताकि आपको बार बार पड़ताल ही ना करनी पड़े, और सूट आपका बिल्कुल सही कट जाए, ये स्टैंडर्ड नाप है, बिल्कुल आम नाप है, शोल्डर इसके ज़्यादा डाउन नहीं है, तकरीबन कह लें 1/4 के ऊपर ज़्यादा बार ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब शोल्डर इसके नॉर्मल है, डाउन नहीं है, ठीक है भाई, ये चीज़ भी चेक कर लें,